Hi guys, this is Manya and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. And आज मैं एक बहुत ज़्यादा सुंदर जगह पे आई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने और थोड़ा सा चिल करने, क्योंकि अभी थोड़ा वेकेशन मोड में हूँ मैं. दो दिन की छुट्टी है मेरी जॉब से, कॉलेज से. सो मैंने सोचा कोई सुंदर सी पीसफुल सी जगह पे चलते हैं, एंड इसलिए मैं आ गई. एंड आके ऑब्वियसली टाइम पास तो करने नहीं वाली, कंटेंट शूट करने आई हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए. सो गाइज, पहले तो आप व्यू देखो एंड फिर मैं आपको बताऊँगी कि टॉपिक क्या है. एंड टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है गाइज, क्योंकि अभी भी मुझे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही, आपको कैसे दो दो जॉब मिल गई, यहाँ पे तो जॉब्स ही नहीं है, हमें प्लीज़ जॉब दिला दो. लोग लिटरली बोल रहे हैं, बैक कर रहे हैं मुझे कि आप हमारी हेल्प कर दो, हमें भी जॉब चाहिए. तो गाइज, मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगी कि मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी. मैं भले ही आपको बता दूँ कहाँ जॉब्स है, और मैंने बहुत लोगों को बताया भी है कि कहाँ कहाँ हायरिंग चल रही है, बट अब मेहनत तो आपको खुद जाके करनी पड़ेगी. ऐसा तो नहीं है मैं आपके लिए जाके इंटरव्यू भी मैं ही दे दूँगी. तो प्लीज़ थोड़ा खुद भी रिसर्च करो एंड खुद भी ढूंढो कि कहाँ क्या चल रहा है. एंड सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यू नो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि मुझे भी वहीं से सब कुछ पता चलता है कि कहाँ पे क्या हायरिंग चल रही है. सो आपको भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आपको भी पता चलेगा. सो गाइज, व्यू देखो पहले एंड डीमोटिवेट मत हो. कभी ना कभी थोड़े दिन में आप लोगों को भी जॉब मिल जाएगी. सो इन्जॉय करो यार, एक ही लाइफ है. एंड चलते हैं आगे वीडियो में गाइज. सो गाइज, देखा आपने कितनी ज़्यादा सुंदर जगह है, एंड मुझे इतना ज़्यादा पीस मिल रहा है यहाँ आके. इतना सुकून है, ना कोई पब्लिक है ज़्यादा, तीन चार लोग हैं खाली आसपास, एंड बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे. सो गाइज, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं अब. सो आज मैं इसलिए आई हूँ शांति से शूट करने, ताकि मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बताना चाहती हूँ. अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आप ये एग्ज़ाम्स दे सकते हो एंड आप लोग ये लाइसेंस ले सकते हो, ताकि आपको मिनिमम वेज पे काम ना करना पड़े एंड आप भी मिनिमम वेज से ज़्यादा कमा सको एंड अपने एक्सपेंसेस ईजीली कनाडा में निकाल सको, क्योंकि मिनिमम वेज से तो यहाँ पे कुछ नहीं होता. इससे बेटर है खुद को अपस्किल करो, कुछ लाइसेंसेस लो, सर्टिफिकेट्स लो, ताकि आपको अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले. सो गाइज, मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ. चलते हैं आगे वीडियो में एंड बात करते हैं. स्टे ट्यून्ड, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड कमेंट करो अगर कोई भी डाउट है. मोस्टली मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, बट अगर किसी का नहीं कर पाती तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं ट्राई करूँगी कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ. चलते हैं आगे वीडियो में एंड बात करते हैं गाइज. तो गाइज, फर्स्ट स्किल है फॉकलिफ्ट ऑपरेटर. सो फॉकलिफ्ट ऑपरेटर कौन होते हैं? जो यहाँ पे कनाडा में बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, उसमें बहुत सारी मशीन्स रहती है बड़ी बड़ी, जो लाइक बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रहते हैं, बड़ा बड़ा सामान रहता है. उस वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए कुछ लोग हायर करते हैं, क्योंकि वो बड़ा बड़ा सामान नॉर्मल लोग उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते. तो उनके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है जिनको चलाने के लिए यहाँ पे वो लोग लेबर्स हायर करते हैं, लोग हायर करते हैं. एंड ये मशीन्स को चलाने के लिए एक प्रॉपर लाइसेंस चाहिए होता है, जो जब भी कोई भी वेयर हाउसेज या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये ऑपरेटर्स को हायर करती है, तो वो लोग सबसे पहले ये लाइसेंस मांगती है, क्योंकि अगर आपके पास इसका प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता तो आपको नहीं हायर करेंगे. एंड ये लाइसेंस अराउंड 1 से 5 दिन में आपको मिल जाता है, एंड इसका अराउंड 100 to $500 के बीच में लाइसेंस बनता है. ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है गाइस. आप पहले ही ऐसा सोच लोगे कि नहीं यार, इतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, और अभी तो जॉब की भी गारंटी नहीं है. बट अगर आपको एक बार इस फील्ड में जॉब मिल जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं. लाइक लोग ये ज़्यादा नहीं करते हैं, बट आपको अगर कुछ यूनिक करना हो तो प्लीज़ ये सब लाइसेंसेस लो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा एंड इसका पे रेट भी बहुत ज़्यादा है.
सो अब सेकंड स्किल की बात करते हैं। सेकंड लाइसेंस जो आप ले सकते हो कनाडा आकर वो है सिक्योरिटी लाइसेंस। गाइस ये तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, लाइक जो लोग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सब लोग सिक्योरिटी लाइसेंस तो ले ही लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लाइसेंस अगर आप ले लेते हो तो इसमें आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है एंड इसका भी पे स्केल बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भी आप ले सकते हो। एंड ये आपको सिर्फ 2 या 3 दिन में मिल जाता है एंड इसकी फ़ीस अराउंड $80 to $100 के बीच में रहती है। तो गाइस सिक्योरिटी लाइसेंस भी बहुत काम की चीज़ है बहुत, और कुछ कुछ जगह तो आपको इतनी ज़्यादा चिल जॉब मिलती है कि अगर आपको कोई वेयर हाउस में एज अ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल गई तो आपको वहाँ सिर्फ एक रूम में बैठ के जो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन रहते हैं मॉनिटर्स रहते हैं वहाँ पे बैठ के खाली मॉनिटरिंग करनी होती है कि सारा काम सही से चल रहा है कि नहीं एंड कोई थेफ्ट या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा ना, तो बस आपको वही सब ध्यान रखना पड़ता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको पे मिलता है मिनिमम वेज से ज़्यादा, तो क्यों नहीं एक टाइम इन्वेस्टमेंट करके हम ये लाइसेंस ले लें और कुछ अच्छा करें। तो गाइज अब थर्ड लाइसेंस की बात करते हैं। थर्ड लाइसेंस आता है स्मार्ट सर्व। गाइज अगर आपको रेस्टोरेंट के अंदर रेस्टोरेंट रिलेटेड आपको रेस्टोरेंट की फील्ड में कुकिंग फील्ड में या ऐसी बार टेंडिंग सर्विंग इस सब फील्ड में अगर जाना हो तो आपके पास स्मार्ट सर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी भी कोई भी कैफ़े या फिर ऐसी जगह पे जाओगे तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपके पास स्मार्ट सर्व है या नहीं। तो स्मार्ट सर्व बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, अगर आपके पास स्मार्ट सर्व हो तो आप इजीली ये जॉब ग्रैब कर सकते हो। एंड आपने सुना ही होगा कि अगर आपको एज अ सर्वर एज अ होस्ट एज अ बार टेंडर जॉब मिलती है तो इसमें काफ़ी इसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्स बन जाती है आपकी एंड आप अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ये टिप्स से ही निकाल लेते हो। ये मैंने पहले की वीडियो में बताया, मैं अभी बता रही हूँ कि ये बहुत इजी रहता है एंड एक दिन में ये लाइसेंस बन जाता है, सिर्फ आपको थोड़ा पढ़ के आपको एग्ज़ाम देनी होती है एंड इसके अराउंड $50 to $60 लगते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये तो आप एक दिन में एक बार टिप कमा एक दिन की टिप है ये आपकी, सो ज़्यादा सोचो मत, ये लाइसेंस तो निकलवा ही लो। सो अब फोर्थ लाइसेंस की बात करते हैं गाइस, जो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस तो सबको मालूम है कितना इम्पॉर्टेंट है कनाडा में। मैंने भी ये गलती की है कि मैंने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया, पर मैं बहुत जल्दी बनवाने वाली हूँ। यहाँ पे रहता है G1 एंड G2। G1 बेसिकली रहता है आपका रिटन टेस्ट एंड G2 रहता है जो आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है सेंटर में जाके, एंड जो आपका रिटन टेस्ट होता है वो भी सेंटर पे जाके ही होता है। सो इसका अराउंड फीस रहता है $100 to $200 एंड मैंने भी अभी तक नहीं दिया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया है, टाइम नहीं मिल रहा या क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, बट आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं कर रही है। सबसे पहले आते ही आपको अपना G1 लाइसेंस बनवाना है। और एक टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी आपको, प्लीज़ इंडिया से अपना DL एक्सट्रैक्ट बनवा के लेके आना, क्योंकि मैं भी ये बनवा के नहीं लेके आई हूँ एंड मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपके पास DL एक्सट्रैक्ट रहता है तो वो आप लोगों से थोड़ा कम चार्ज करते हैं, बट अगर DL एक्सट्रैक्ट नहीं है तो बी रेडी टू पे $100 to $200 एंड ड्राइविंग लाइसेंस आपका बन जाता है एक दिन में रिटर्न वाला, बट ड्राइविंग टेस्ट जो आपको दे के करना पड़ता है उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस पहले करवाते हैं यहाँ पे, देन वो बनता है। सो ये भी ले लो ताकि आपको हर जगह पासपोर्ट लेके ना घूमना पड़े एंड आपके पास एक कैनेडियन आईडी रहे, तो लाइसेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। एंड अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तो आप लोग ऊबर ईट्स वगैरह काफ़ी ईजिली कर लोगे, और आपके पास ऊबर ईट्स में आपको मालूम है कि कितने ज़्यादा लोग पैसे अर्न करते हैं, डेली आप $100 to $200 अर्न कर सकते हो प्लस टिप्स। सो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है आप यहाँ के एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेके ऊबर ईट्स कर सकते हो एंड ऊबर ईट्स में बहुत पैसा है गाइस, बहुत ज़्यादा। काश मैंने भी गाड़ी सीखी होती तो मैं भी यहाँ आके लाइसेंस फटाफट बना लेती और मैं भी ऊबर ईट्स कर लेती, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। और लास्ट आता है CPR एंड फर्स्ट एड। ये थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड है, जो भी मेडिकल फील्ड वाले हैं वो लोग ये इजीली कर सकते हैं एंड नॉर्मली,
इसमें क्या रहता है, आप लोगों को अगर ये आता है तो ये CPR एंड फर्स्ट एड वाले स्पेशली लोग हायर किए जाते हैं कुछ कुछ जगह पे। एंड अगर आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो इसका फीस है अराउंड $50 to $200 के बीच में रहता है। एंड इसका भी एग्ज़ाम दे के आप भी ये लाइसेंस ले सकते हो एंड ईजिली कहीं पे भी जॉब ले सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है उसकी भी काफ़ी डिमांड रहती है। जो बड़ी बड़ी साइट्स रहती है वहाँ पे CPR एंड फर्स्ट एड जिन लोगों को आता है उन लोगों को बहुत जल्दी हायर कर लेते हैं। सो गाइज, ये 5 चीज़ें थी जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, प्लस टिप्स आपको इसमें कुछ कुछ प्रोफेशंस में, कुछ कुछ लाइसेंस अगर आपके पास हो तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स भी बन जाएगी। सो मेरे हिसाब से आप लोगों के पास ये लाइसेंसेस होने चाहिए एंड धीरे धीरे करके खुद मैं ये सारे लाइसेंसेस लूँगी, ताकि अगर एक काम ना हो तो दूसरा काम तो हमारे पास रेडी रहना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। लाइक करो गाइज, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो अगर कोई भी डाउट है। जल्दी जल्दी आ जाओ कनाडा अपनी लाइफ सेट करने। एंड जिनको जॉब नहीं मिल रही वो ये वीडियो देखो, एंड इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जस्ट आपको एक ट्रेनिंग करनी होगी एंड आपको टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट आप क्लियर कर लो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा एंड आपको कहीं पे भी हायर कर लेंगे। एंड एक बार आपको हायर कर लिया फिर ऑन साइट ट्रेनिंग हर जगह रहती है, आप कोई भी काम करोगे कनाडा में आपको उस चीज़ की ट्रेनिंग मिलेगी। सो ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं यहाँ आके क्या करूँगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, सब चीज़ की आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। आओ कनाडा, मस्त जॉब ढूंढो एंड अच्छे से डॉलर कमाओ एंड बाद में मुझे थैंक यू कर देना अगर आप मेरी वीडियो देख के थोड़ा भी इंस्पायर हुए हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, अब मैं यहाँ का व्यू एंजॉय करूँगी। बाय फॉर नाउ।